Viewer, in this video, I will show you how to create automated attendance sheet by using checkboxes in Google Sheet like this one. ये आप देख सकते हैं किस तरह हम इसको create करेंगे, किस तरह हम इसको design करेंगे by using checkboxes. तो left side पे हमने name लिया है, ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं that is checkboxes. तो आइए इसका working हम check करना चाहते हैं. यहाँ से इस checkbox को हम uncheck करते हैं. Similarly for the next one. तो right side पे total present, total absent इसमें आप देख सकते हैं value change हो रहा है, ठीक है. Similarly for the other record, यहाँ से आप इसको check कर सकते हैं. तो left side पे आप देख सकते हैं, sorry right side पे value यहाँ पर change हो रहा है total present और total absent में, ठीक है. इसके अलावा remarks में भी changes आ रहे हैं, ठीक है. तो आइए start रहते हैं from a new spreadsheet. यहाँ से मैंने click किया तो एक blank sheet create हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पर मैं type करना चाहता हूँ that is serial number. फिर इसके बाद next column में student name और नेक्स्ट कॉलम में डेट में टाइप करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेट टाइप करूंगा दैट इज 10 मंथ मीन अक्टूबर 1, 2024, ये मैं टाइप करना चाहता हूँ. फिर इसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा टू द राइट साइड, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है. फिर इसके बाद इसका फॉर्मेट मैं चेंज करना चाहता हूँ. तो गो टू कस्टम डेट एंड टाइम, यहाँ से जो भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना चाहें ईजिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड मंथ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ That is 5 अगस्त, ठीक है. इस तरह का डेट आपको शो होगा. इस पर आप क्लिक करें, अप्लाई करें तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है. फिर इसके बाद डेटा को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप सेंटर कर सकते हैं. इसके अलावा इसको आप वर्टिकली भी सेंटर कर सकते हैं. रो को अगर आप रीसाइज करना चाहें यहाँ से इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं. इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर किया. फिर इसके बाद इसका स्टाइल मैं चेंज करना चाहता हूँ दैट इज बोल्ड और इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ. यहाँ से जो प्रॉपर फॉन्ट होगा और प्रॉपर साइज होगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली. इसके अलावा कॉलम वेट अगर आप चेंज करना चाहें तो कॉलम सबसे पहले आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें और रीसाइज कॉलम पर आप आ जाए. यहाँ से जो वैल्यू प्रेफर करें, ठीक है, वो आप यहाँ पर टाइप करें. फिर इसके बाद ओके बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली कॉलम ये रीसाइज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कॉलम वेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ दैट इज 45 फॉर ऑल कॉलम, ठीक है. यहाँ से राइट क्लिक करें और फिर इसके बाद इसको आप रीसाइज कर सकते हैं. रिमेनिंग वन कॉलम का भी साइज आप 45 दे दें, ठीक है. आसानी के साथ इसको आप चेंज कर सकते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम दिस विल बी टोटल प्रेजेंट और नेक्स्ट कॉलम दिस विल बी टोटल एब्सेंट. लास्ट वन कॉलम दिस विल बी रिमार्क्स. इसका फॉन्ट साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं. इसके अलावा स्टाइल आप बोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम के राइट साइड पे आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, इसको थोड़ा सा रीसाइज करें. फिर इसके बाद इस रेंज को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस पर मैं बॉर्डर अप्लाई करूंगा तो इस ऑप्शन पर आप आ जाए. यहाँ से बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज ऑल बॉर्डर, ठीक है. फिर इसके बाद सीरियल नंबर में आप टाइप कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, up to so on. लेकिन यहाँ से मैं सबसे पहले इस कंटेंट को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये मैं अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर. यहाँ पर 1 आप टाइप करें, फिर इसके बाद बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको आप ड्रैग करें तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज में आ जाएगा, ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पर मैं नेम टाइप करना चाहता हूँ लेकिन इसको मैं इस शीट से कॉपी करना चाहता हूँ. बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर प्रेस करें कंट्रोल प्लस वी. इस कॉलम को आप रीसाइज करें. लास्ट टू नेम ये एक्स्ट्रा है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट रो को भी क्रिएट करना चाहता हूँ दैट इज 14 एंड 15. और इसके अलावा यहाँ पर इस रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पर मैं बॉर्डर अप्लाई करूंगा. बॉर्डर अप्लाई करने के बाद ये रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर चेकबॉक्स हम इंसर्ट करेंगे तो चले जाए इंसर्ट टैब पर और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं चेकबॉक्सेस, ठीक है. अब इस पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा तो इसके लिए आप राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करें नीचे की तरफ और यहाँ से व्यू मोर सेल एक्शन, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आप क्लिक कर सकते हैं. राइट साइड पे यहाँ पर आप फॉर्मेट रूल्स आप सेलेक्ट करें दैट इज इक्वल टू और यहाँ पर वैल्यू या फार्मूला आप सेट कर सकते हैं दैट इज ट्रू. फिर इसके बाद इस पर आप बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया और नेक्स्ट वन रूल्स में अप्लाई करना चाहता हूं दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स. एड बटन पर आप क्लिक करें. इसके लिए भी यही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करें. कंडीशन आप यहाँ पर दे दें इज इक्वल टू और फिर इसके बाद यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए दैट इज फॉल्स और फिर इसके बाद यहाँ से फिल कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिस वन.
या फिल कलर को मैं रिमूव करना चाहता हूँ या फिर मैं ओनली टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ए ऑप्शन पर आप क्लिक करें, दिस विल बी द टेक्स्ट कलर, और यहाँ से कलर आप रिमूव करें, दैट इज नॉन। फिर इसके बाद डन पर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या, अगर ये ट्रू हो तो ये इसका फिल कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, और अगर फिल ना हो तो इसका टेक्स्ट कलर ये होना चाहिए रेड कलर, ठीक है। फिर इसके बाद टोटल प्रेजेंट के लिए मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, दैट इज काउंट एफ फार्मूला। रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिस वन, फिर इसके बाद कॉमा, डबल कोट्स में क्रिटेरिया आप दे दें ट्रू, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर की आप प्रेस कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इस फार्मूला को आप कॉपी करें तो रिमेनिंग वंस के लिए भी फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस टेक्स को आप सेलेक्ट करें, सॉरी इस कॉलम को, और इस कंटेंट को आप अलाइन करें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर, यहां से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। फिर इसके बाद टोटल एब्सेंट के लिए भी, रिमार्क्स के लिए भी सेम कंटेंट्स आप सेंटर पे करें, ठीक है। और यहां पर टोटल एब्सेंट के लिए जो फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा, दैट इज काउंट एफ फार्मूला, रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिस वन, कामा, डबल कोट्स में क्राइटेरिया आप टाइप कर सकते हैं दैट इज फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की आप प्रेस करें और यहां से टिक मार्क आप चेक करें तो रिमेनिंग वन के लिए ये फार्मूला काफी हो जाएगा। फिर इसके बाद रिमार्क्स पे मैं कंडीशन देना चाहता हूं, दैट इज इफ टोटल प्रेजेंट अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेक्स है तो यहां पर शो होना चाहिए दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, अदरवाइज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, इस फार्मूला को आप कॉपी करें, यहां पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। अब यहां पर सिर्फ आप वैल्यू चेंजेस करें, मींस चेक बॉक्स आप चेक करें तो ऑटोमेटिकली आपके सामने टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट्स, इसके अलावा रिमार्क्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रिजल्ट। इसके अलावा इसके लिए अगर आप टाइटल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा, दैट इज द मेन हेडिंग ऑफ द दिस अटेंडेंट शीट, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा स्टूडेंट्स अटेंडेंट शीट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज करेंगे, इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइटल का फॉन्ट साइज आप इंक्रीज करें, यहाँ से 24 और लेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 18 मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर, इसके अलावा यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट ये भी सेंटर करें, ठीक है। और इसका फिल कलर दैट इज बैकग्राउंड फिल कलर ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। इसके अलावा दिस हेडर रो के लिए, इसके लिए भी बैकग्राउंड कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वन अटेंडेंस शीट इन गूगल शीट्स।